मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गया चैन, मेरे दिल का ले गया चैन। सिवर्स किसान पीजी कॉलेज, सत्र 2014-15। आफ्ताब की निगाहें आज किसी को खोज रही थी, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। अमन, तूने उसको देखा है? किसको? अरे यार वो लड़की लाल सूट में और नकाब बांधे हुए। अच्छा वो, उसका नाम अनम है, वो अपने क्लास में ही तो है। अच्छा वो बीए कर रही है? हाँ अपने क्लास से। जी तो तुझे क्या? उसका नाम क्यों पूछ रहा है? उल्लेख पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया। इतना कहना क्या हुआ, आगे से अनम आ रही थी। दोनों की निगाहें मिलती हैं और कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है दोस्ती से, ख़त्म होती है प्यार पे। 3 साल बीतते हैं, दोनों की दूरियां जो बहुत लंबी थी अब काफ़ी कम हो चुकी थी। शायद दोनों ये मान चुके थे कि हम एक दूसरे के लिए बने हुए हैं जो भी। और आगे क्या होता है, फिर उनकी पढ़ाई पूरी होती है, अनम आगे पढ़ने के लिए दिल्ली जाती है और आफ्ताब के पास उतने पैसे नहीं थे। वो एक अनाथ था, बचपन में एक ट्रेन हादसे में उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। सो वो बस्ती में ही अपने गांव के बच्चों को पढ़ा के अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। जब अनम नए शहर में आती है, नए लोगों से मिलती है और नए लोगों के मिलने के साथ उनके बीच एक दूरी मतलब बननी शुरू होती है। जाहिर सी बात है, अगर हम दूर हुए तो प्यार कैसा भी रहे, हैप्पी एंडिंग तो होना ही है। अभी कहानी शुरू हुई। अब आफ्ताब जो कभी अनम से घंटों घंटों फोन पर बात किया करता, अब क्या होता है कि अगर आफ्ताब कॉल कर रहा है अनम के पास तो अनम बोलती है, अरे यार तुझे पता है ना मैं पढ़ने के लिए बाहर आई हूँ, यार दिल्ली है। अब बकवास की तेरी बातें, अभी कल तेरी बात मुझसे हुई थी, फिर क्या हो गया तुझे अभी तक? आफ्ताब, अनम तू ऐसे क्यों बोल रही यार, आज नई नई बात है, पहले हम घंटों आज से पहले बात की हैं, 3 साल बात की हैं, ऐसी कोई बात होगी? अरे तुझे पता है मैं पढ़ने के लिए बाहर आई हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अब आफ्ताब थोड़ा उदास रहता है और शायद अब उसकी दूरी बढ़ती ही गई और ये प्यार जो आफ्ताब का था कम होता ही गया। शायद वो अनम को अपनी दुनिया मान रहा था, उसकी दुनिया अब उसके हाथ से जाने वाली थी। फिर कुछ टाइम ऐसा आता है, एक बार अनम अपने गांव पे आई हुई थी और आफ्ताब को ये मालूम हुआ कि अनम अपने घर पे आई हुई है। उसके पास वो कॉल करता है, बोलता है, अनम तू घर पे आई हुई है? तो अनम का जवाब आता है, हाँ तो आई तू, तुझे क्या मिलना है? क्यों मिलना है? तो तेरी ख्वाहिश मर्दों वाली पूरी करनी है ना, बोल कहानी है, मैं आ रही हूँ। शायद उसकी आवाज़ों में कुछ आज उखड़ापन था। आफ्ताब ने कहा, ये क्या यार तू ऐसा क्यों बोल रही है, तुझको पता है ना कि मैं उन लोग की तरह नहीं हूँ, आज के मर्द जैसे होते मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, तू मेरी दोस्त है यार। अरे सुन मेरी बात सुन, तू क्या चाहता है मुझे पूरा पूरा मालूम है। अगर आगे आफ्ताब अपनी बात कहता उससे पहले अनम की आंखों में आंसू था और रो रही थी। आफ्ताब उसको चुप कराए, बोला क्या हुआ, तेरे गुस्से में कोई वजह पक्का होगी, बता मुझे क्या हो गया। अनम बोलती है कि यार मैं दिल्ली में पढ़ाई की और मेरा एग्ज़ाम था जो सीजल का, और क्वालिफाई हो गया है, अब सिर्फ इंटरव्यू रह गया है, उसके लिए साहब जी 5 लाख मांग रहे हैं। मेरी फैमिली एबल है पर काफ़ी ओल्ड माइंड की है, वो चाहती है कि मैं जॉब ना करूं, जॉब छोड़ दूं, पर मुझको जॉब करना है और ख़ुद पे डिपेंड रहना है, ये कहना था अनम का। आफ्ताब बोलता है 5 लाख, अरे यूँ व्यवस्था हो जाएगा, तो परेशान मत हो। तो अनम का रिप्लाई काफ़ी गंदा आता है, वो बोलती है, अरे यहाँ पहले खुद का घर संभाल जाके अभी चला आया 5 लाख देने वाला। और अनम आगे बोलती है कि आज के बाद तू मेरे पास कॉल नहीं करना, और सुन मेरा पीछा मतलब बिल्कुल करना ही नहीं। बोली क्यों नहीं करना पीछा मेरा, तेरे पीछा मैं करूँगा। आफ्ताब बोलता है, बोला 112 यूपी से हैं। तो फिर आफ्ताब शायद अब दुख में था और गम में था, और अनम फिर दिल्ली गई, 5 लाख लेके बैंक से लोन लिया, और बाद में लोन वाली बात जब उसको आफ्ताब को पता चलती है तो बेचारा पक्का प्रेमी था, उसने अपनी किडनी बेचकर उसका लोन चुका दिया। उसके जाने के गम में शराब पीना सिगरेट आम बात हो गया। अब जो लड़का मतलब कभी पढ़ने में स्मार्ट और पढ़ने में बढ़िया,
कॉलेज जाना कोचिंग सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ सिगरेट और शराब। इधर अनंत की जॉब लगती है, अब वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, और वो जब ऑफिसर हो गई तो अपना पेमेंट करने के लिए लोन जो था गांव पे बैंक पे जाती है। उसको मालूम हुआ किसी आफ्ताब ने उसका लोन पे कर दिया है, तब वो खोजती है कि आफ्ताब कहाँ है। बाद में उसको मालूम हुआ कि आफ्ताब जा चुका है इस दुनिया से बहुत दूर, वो मर गया है। तो उसे कब्र के पास जाती है और एक कविता है जो आफ्ताब और अनंत क्या बातें करते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। अनम रोती हुई बोलती है आफ्ताब से, तेरे दिल के अंजुमन में मैं ही फकत एक फूल थी, तेरे दिल के अंजुमन में मैं ही फकत एक फूल थी, प्यार ना करना तुझे सबसे बड़ी मेरी भूल थी। तेरे दिल के अंजुमन में मैं ही फकत एक फूल थी, प्यार ना करना तुझे सबसे बड़ी मेरी भूल थी। मेरे बिना लगती तुझे तेरी जिंदगी फिजूल थी, मेरे बिना लगती तुझे तेरी जिंदगी फिजूल थी, मैं ना तुमको जान पाई खुद में मैं मशगूल थी। आगे आफ्ताब समझाता है अनम को, लाख यतन मैंने किया पर तू ना मेरी हो सकी, लाख यतन मैंने किया पर तू ना मेरी हो सकी, प्यार की बारिश में तेरे मुझको ना भिगो सकी। पर अब ना होती मेरी सुबहें अब ना मेरी शाम है, ये बदन अब है दफन कर रहा आराम है। लड़की रोती है, फिर समझाते हुए बोलता आगे, अब ना पछतावा करो तुम जो हुआ वो भूल जाओ, अब ना पछतावा करो तुम जो हुआ वो भूल जाओ, जान हो तुम अब भी मेरी पोछो आंसू मुस्कुराओ। अब ना पछतावा करो तुम जो हुआ वो भूल जाओ, जान हो तुम अब भी मेरी पोछो आंसू मुस्कुराओ। बीस तेरे ख्वाबों के जो जानिब जमी तुम करके आओ, बीस तेरे ख्वाबों के जो जानिब जमी तुम करके आओ, जिंदगी बाकी तेरी उसको तुम जी करके आओ। फिर अंतिम में गुड बाय बोलता है, बाय बाय अनम। क्या बोलता है, अब है फरमाने खुदा कह रहा मैं अलविदा, अब है फरमाने खुदा कह रहा मैं अलविदा, मुझसे भी होकर जुदा मेरी जान खुश रहना सदा। फिर मिलेंगे उस जहां में हर पल जहां जिंदा रहें, फिर मिलेंगे उस जहां में हर पल जहां जिंदा रहें, तेरी किस्मत के सितारे यूं ही ताबिंदा रहें। धन्यवाद।